स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। रोड पर अस्थायी अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वाले 7 दुकानदारों पर नगर पालिका ने की 30,200 रुपए की चालानी कार्रवाई। नगर निगम का स्वच्छता और राजस्व विभाग का दल ग्वालियर बाईपास क्षेत्र पहुंचा। रोड पर अस्थायी अतिक्रमण और गंदगी फैलाने पर फल सब्जी खान पानी के ठेले सहित दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। नगर पालिका ने 30,200 रुपए का जुर्माना वसूला है। नगर पालिका CMO शांक धाकड़ ने बताया कि शहर में स्वच्छता और पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गुरुवार की रात राजस्व और स्वच्छता विभाग के दल को ग्वालियर बाईपास क्षेत्र भेजा। चाय, जूस, मिठाई, शराब दुकान और अन्य दुकानों के बाहर गंदगी मिली। संबंधितों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 30,200 रुपए वसूले हैं। संबंधितों को हिदायत दी है कि वह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, दुकानों के आगे सड़क पर अतिक्रमण न करें। इस कार्रवाई में नपा स्वास्थ्य अधिकारी योगेश शर्मा, राजस्व निरीक्षक सुधीर मिश्रा, यशपाल जाट, सफाई दरोगा अजय और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर अफसरों ने कहा कि कार्रवाई चलती रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज़ के साथ।